नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक भी बहुत ही दिव्य होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक के संदर्भ में बहुत सारे अनन्य दर्शकगण एक प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी का कभी कोई संदेश काश मुझे भी प्राप्त होगा। तो आज का ये क्रमांक निसंदेह आप सभी के लिए एक संदेश है। आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी पहुंच रहा है, इसे प्रत्यक्ष रूप से आप महाराज जी का संदेश अपने लिए मान सकते हैं, क्योंकि आज का क्रमांक कुछ है ही इतना खास। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में, और आप सभी से कामना करते हैं कि क्रमांक को पूरा अवश्य आप श्रवण कीजिएगा, ताकि महाराज जी की हर एक बात आप तक भी पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से अनन्य दर्शक गण एक बात प्रश्न स्वरूप में हमसे पूछ रहे थे कि काश कभी ऐसा हो सकता है कि महाराज जी का कोई संदेश हम तक पहुंचे, काश महाराज जी भी हमारे हृदय की एक एक बात जान पाते। तो आज का ये क्रमांक सटीक तौर पर यदि आपके पास भी पहुंच रहा है, तो ये महाराज जी की इच्छा अनुसार ही है, क्योंकि महाराज जी का हर एक संदेश कोई भी अनन्य भक्त श्रवण करे या देखे, उसके लिए महाराज जी की कोई ना कोई बात क्रमांक में अवश्य छिपी रहती है। तो जैसे कि अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, तो निसंदेह आपके साथ भी एक चीज घटित हो रही होगी, वो ये होगी कि आप पूरे दिन में हर बार महाराज जी के ही विषय में सोच रहे होंगे। ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत से अनन्य दर्शकों के साथ, बहुत ही अनन्य भक्तों के साथ होता आ रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब यदि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूं, तो ये बात मेरे साथ भी घटित हो रही थी कि जब जब महाराज जी से जुड़ने का प्रयास में कर रहा था, या आप यूं कह सकते हैं महाराज जी अपनी प्रेरणा मुझ तक पहुंचा रहे थे, तो मेरे साथ भी ये दौर गुजर रहा था कि हर एक समय महाराज जी के विचार होते थे। हर समय यही सोचते रहता था मन कि काश अभी महाराज जी मुझे दर्शन दे देते, काश मुझे मौका मिलता कि महाराज जी के चरण कमलों में अपना शीश नवा सकूं और महाराज जी से अपने हृदय की बात कह सकूं। यदि आप भी आजकल इस दौर में इस बात से गुजर रहे हैं कि हर समय, हर वक्त, हर बात में, हर क्षण में महाराज जी ही महाराज जी आपके होते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके मस्तिष्क में ये विचार कोई और नहीं, श्रद्धे श्री महाराज जी ही भेज रहे हैं। महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये वो दौर होता है जब महाराज जी का आकर्षण हर तरफ से, चारों दिशाओं से आपको घेरे रहता है। और सही मायने में आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि क्या ये दौर आपके जीवन में अभूतपूर्व नहीं है? क्या इससे पहले ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई प्रेरणा, इतना घनिष्ठ प्रेम किसी से आपको हुआ है? क्या आपने ऐसा अनुभव पहले किया है? तो ये सारे प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही दिव्य स्वरूप को लिए होते हैं, और ये दिव्य स्वरूप कहीं और से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी से ही होकर गुजर रहा होता है। अब इसके बाद आपके साथ क्या होगा, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब ये आकर्षण वाला दौर अपने पूरी चरम सीमा पर होगा, तब यदि आपने महाराज जी के धाम के दर्शन किए होंगे, तो आप बड़े ही बड़भागी हैं। और यदि आपने महाराज जी के धाम के दर्शन अभी तक नहीं किए हैं, तो आप मानिएगा कि महाराज जी अब आपके लिए व्यवस्था बनाएंगे आपको अपने धाम बुलाने की। और ये समय इतना अद्भुत होगा कि आपके जीवन में ये समझ लीजिएगा कि सफलता का जैसे नया समय आपके जीवन से जुड़ने वाला हो। इसीलिए आज के इस क्रमांक का जो द्वितीय भाग है, वो द्वितीय भाग इसी बात को लेकर है। इसीलिए आपके लिए ये क्रमांक और भी अद्भुत हो जाता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रेरणा आपके जीवन में आपकी सफलता की ओर एक कदम आपको लेकर चलती है। इसके बाद जब आप महाराज जी के श्री धाम जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे, तब आपको महाराज जी के श्री कैंची धाम से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये दिव्य ऊर्जा अब आपके जीवन में, आपके किसी भी कार्य क्षेत्र से आप क्यों ना जुड़े हों, उस कार्य क्षेत्र में आपको सारी उपलब्धियां अब प्रदान करने वाली होगी। जब आप महाराज जी के श्री कैंची धाम जाएंगे, तो कैंची धाम में सबसे पहले आपको अनुभूति होगी महाराज जी की उन दिव्य शक्तियों की, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपको इस बात का आभास करा देगी कि आप महाराज जी के विग्रह के समक्ष नहीं, बल्कि साक्षात महाराज जी के समक्ष खड़े हैं। महाराज जी के विग्रह के दर्शन करते ही आप निशब्द हो जाएंगे,
क्योंकि आपको ये प्रतीत नहीं हो पाएगा कि महाराज जी ही बैठे हैं या महाराज जी का विग्रह है। बहुत संशयमान हो जाएंगे और ये संशय आपके मस्तिष्क को इस घटना पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं करेगा। यूं मान लीजिए कि जैसे आपका मस्तिष्क कहना चाह रहा हो कि नहीं, ये केवल एक ऐसे समय की योजना है जो आपको इस बात के लिए विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही है कि विग्रह नहीं महाराज जी हैं। जब इस द्वंद्व में आप फंसे होंगे उस समय आपको सत्य के दर्शन होंगे और वो सत्य यही होगा कि अब तक जो समय आपने इस धरा पर बिताया है ये तो उस समय से जैसे आप उस समय के पूरे प्रकरण से बाहर निकल आए हों। ये ऐसा अनुभव होगा जब कैंची धाम में आप पहली बार महाराज जी के दर्शन करेंगे और जिस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आप आएंगे, मैं आपको 100% इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा अनुभव यानी इतनी दिव्यता का अनुभव पहले कभी नहीं किया होगा। और उससे भी कमाल की बात क्या है कि जब आप इस प्रकरण को, इस पूरी दिव्य ऊर्जा के अनुभव को किसी को समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बताना तो चाह रहे हैं, आपके हृदय में वो भावना तो है, लेकिन उस भावना को कहने के लिए जो शब्द होने चाहिए वो शब्द आपके पास नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप निशब्द से हो जाएंगे, क्योंकि यदि मैं अपने अनुभव को याद करता हूं तो आज भी ऐसा हो जाता है कि जैसे कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही अनुभव मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हर एक अनन्य भक्त को होता है जो श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करता है। और जब इस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद आप अपने गृहस्थान यानी अपने धाम को पहुंचेंगे तो आप उस समय अकेले नहीं होंगे, क्योंकि उस समय और हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुकी होंगी महाराज जी की सारी ऊर्जाएं आपके साथ। जितने भी कार्य को इसके बाद आप अंजाम देंगे उन सारे कार्यों में जैसे कि एक सफलता की झलक पहले से ही नियत की गई होगी और ये आशीर्वाद होता है महाराज जी का। इसीलिए महाराज जी के आशीर्वाद को अमोघ आशीर्वाद कहा जाता है। ये अमोघ आशीर्वाद कभी भी जीवन से शुप्त नहीं होता, विलुप्त नहीं होता, ये हमेशा हमेशा आपके साथ बना रहता है उसी तीव्रता के साथ, उसी वेग के साथ और उसी सार्थकता के साथ। इसीलिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो हर कार्य में महाराज जी के आशीर्वाद के दर्शन आपको होंगे, महाराज जी के मार्गदर्शन के स्वरूप से आप हर कार्य को सफल बनाने में पूरी तरह से सक्षम पाए जाएंगे और जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े होंगे अपने जीवन में सफल होने के साथ साथ जिस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े होंगे अर्थात जो भी फर्म या जिस भी व्यवसाय से आप जुड़े होंगे उस पूरे स्थान को भी आप पवित्र कर देंगे, क्योंकि महाराज जी की ऊर्जाएं आपके साथ साथ आपके सभी सहयोगियों को, सहकर्मियों को भी सफल बना देती है। तो सोचिए कितने दयालु हैं महाराज जी, कितनी दिव्यता है महाराज जी के आशीर्वाद में जो आपके साथ साथ अन्यत्र लोगों का भी बहुत बहुत कल्याण करती है। तो इसीलिए आज के क्रमांक के माध्यम से मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, जहां जहां तक भी ये क्रमांक श्रवण किया जा रहा है महाराज जी से यही कामना करूंगा कि महाराज जी सभी को सफलता प्रदान करें और सभी को प्रेरित करें कि महाराज जी के श्री कैंची धाम के दर्शन हमारे सभी अनन्य दर्शकों को, सभी अनन्य श्रोताओं को हो। और सभी श्रोताओं से मैं जो बात कहने वाला था वही बात यही है, थोड़ा समय निकालकर एक बार महाराज जी के धाम के दर्शन करके अवश्य आएं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप याद रखिएगा इस क्रमांक को हमेशा हमेशा कि आपको ऐसा कुछ श्रवण हुआ था जहां पर आपसे कहा गया था कि एक बार अपने जीवन में सिर्फ एक बार महाराज जी के धाम होकर आइए। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो और इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तरा।